मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विनायक मेटे की कार हादसे में मौत हो गई है। हादसा आज सुबह 5 बजे हुआ है, जब वो अपने कार से मुंबई जा रहे थे। उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर यह एक्सीडेंट हुआ है। इस हादसे में विनायक मेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए कामोठे में स्थित MGM हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट के समय डॉक्टर ने विधायक मेटे को मृत घोषित कर दिया है। मेटे के साथ उनके बॉडीगार्ड कार में फंस गए थे, जिन्हें बाद में निकाला गया और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइवर एकनाथ कदम के साथ विनायक मेटे मुंबई जा रहे थे कि अचानक ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और आगे जा रही एक अज्ञात वाहन से पीछे से टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा पनवेल के पास माडप टनल में हुआ है और हादसे में विनायक मेटे की SUV कार के परखच्चे उड़ गए हैं। विनायक मेटे एक मराठा नेता थे और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर पूरे राज्य में चलाए गए आंदोलन की शुरुआत मेटे ने ही की थी। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार विनायक मेटे ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में भी मराठा आरक्षण पर रोक लगाए जाने के विरोध में मेटे ने राज्य सरकार के अलावा खुद भी पिटीशन फाइल की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसंग्राम पार्टी BJP की सहयोगी है और शिवसंग्राम पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मेटे अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे और हादसे में उनकी मौत हो गई है।